भांडुपा मध्ये जी दुर्घटना झाली ती दुर्लक्ष झाल्यामुळे घडली असल्याचं पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी म्हटलंय. भांडुप इथल्या ड्रीम मॉलमध्ये रात्री 12 वाजण्याच्या दरम्यान भीषण आग लागली. या मॉलमध्ये सनराईज हे कोविड रुग्णालय आहे. काल रात्री लागलेल्या या आगीत कोविड रुग्णालयातील अनेक रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आले. आगीत मृतांच्या आकडेवारीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्याचबरोबर दुर्लक्ष झाल्यामुळे भांडुपमध्ये ही दुर्घटना घडली आहे. याचा सर्व तपास करून योग्य ती कारवाई केली जाईल असंही पोलीस आयुक्त नगराळे यांनी म्हटलं आहे. ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी. पिछले करीब 1 साल से ये सनराइज हॉस्पिटल शुरू किया गया है फॉर कोरोना पेशेंट्स. और यहाँ पे कल रात जो आग लगी रात के 12 बजे इस हॉस्पिटल में, उस वक्त 78 पेशेंट्स भर्ती थे. अभी हमारी जो मालूमात है अब तक उसके हिसाब से ये 78 में से 10 लोगों की मृत्यु हुई है और 68 लोगों को उनके रिलेटिव के पास में या दूसरे कोरोना फैसिलिटी सेंटर में शिफ्ट किया गया है. अभी ये 10 लोग जो मृत पाए गए हैं और बाकी जो दूसरी जगह पे है 68 लोग, वो कौन लोग हैं, उनके नाम क्या है, ये मालूमात करने की प्रक्रिया चालू है. अब ये जो वाकया हुआ है ये बहुत ही गंभीर वाकया है और इसमें प्रिलिमिनरी तौर पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का निग्लिजेंस दिख रहा है. इसलिए हम पुलिस की तरफ से ये जो 10 डेथ हुई है फायर में, उसके लिए हम गुनाह दाखिल करेंगे और इस गुनाह का तपास होगा. और इस गुनाह के तपास में जिसका क्रिमिनल निग्लिजेंस और दूसरी तरह का निग्लिजेंस साबित होता है, उन सबको हम लोग अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई करेंगे. फायर हॉस्पिटल पे होगा या मॉल पर भी होगा? मैंने आपको साफ बताया है कि जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा उनके ऊपर FIR होगा.